बच्चे जो हैं अभी तीन तीन महीने के हैं, सिर्फ तीन महीने के। अभी मैं इनको हाथ से खाना खिलाता हूँ। ब्लू प्रिंटेड अमेज़न वाओ। तो अभी फिलहाल भैया लेकर आए हैं ये बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे अफ्रीकन ग्रे के जो है बच्चे। इनमें चार बार मैं खुद देता हूँ, मैं खाना खिलाने के लिए किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता। ये एक तोता पुलकित, इफ यू बिलीव, ये एक तोता 6 लाख रुपए का है। 6 लाख रुपए का एक? एवरीबडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज जो है मैं आपको लाखों की कीमत के बर्ड्स दिखाने वाला हूँ। आपने शायद पहले हज़ारों की कीमत के बर्ड्स देखे होंगे, बट इस वीडियो में आपको लाखों की कीमत के बर्ड्स दिखने वाले हैं। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा एंड हिट द लाइक बटन, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी निकलते हैं दिल्ली के लिए और आपको मिलते हैं दिल्ली जाके। A few moments later. Okay, so guys, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अभी भैया के घर के बाहर, और यहां पर हमारे राहुल भैया हैं और अंदर दूसरे भैया भी हैं, तो दोनों से मैं आपको मिलवाने वाला हूं। So, अभी चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। भैया वाओ, क्या स्वागत है। वाओ, क्या स्वागत है। दो दो प्यारे लड़के और दो दो प्यारे इगुआना। क्या बात है, कैसे हो भैया? एकदम बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। कैसे हैं भैया आप? गुड, ऑल गुड। बहुत टाइम के बाद फिर से एक बार दोबारा मुलाकात। लास्ट टाइम भैया को मैं कह के गया था कि भैया आप जब भी चंडीगढ़ आओ तो मिलना, उससे पहले मैं वापस आ गया। और बताइए कैसा चल रहा है भैया? सर बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा हुआ कि आप आ गए वापस, इस बार आपको कुछ बढ़िया दिखाते हैं। और बॉडी बूटी बना ली है, क्या बात, क्या खा रहे हो? ओ यार, पिछली बार कमेंट कुछ खास बढ़िया नहीं आए थे, इस बार थोड़ा ज्यादा बॉडी बना लो है। ये सही है भैया ने पूरी बॉडी चला ली है, क्या बात है। अच्छा भैया, तो आज जो है बेसिकली हमने लास्ट टाइम बहुत सारी चीजें दिखाई थी मिलकर, तो इस बार हम क्या अलग दिखाने वाले हैं लास्ट वीडियो से? यार मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना, जितनी दिखती हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी होती है। जी जी। आज मैं आपको सिर्फ 4 बर्ड दिखाऊंगा। वाह। और उन 4 बर्ड की कीमत आपको गैस करनी है। अच्छा, ठीक है ना। तो उसके बारे में डिस्कशन है। बहुत ही खूबसूरत मकाउज हैं बेसिकली, तो वो दिखाएंगे। अच्छा, मुझे बर्ड्स का शौक है, तो मेरे भाई को थोड़ा सा गाड़ियों का शौक है। लास्ट टाइम आप कह रहे थे मस्टैंग देखी थी हमने, सिटी कवर करनी है, तो वो भी दिखाएंगे आप। बिल्कुल, फॉर श्योर भैया, फॉर श्योर। भैया का तो शौक अलग ही है, मैंने एक चीज देखा भैया पूरे उससे अलग ही चलते हैं शौक में, है ना। अलग उनकी कहानी है, मुझे थोड़े से ये पसंद है और ये पॉटी करने की तैयारी। चलिए चलो भैया फिर अब बर्ड्स दिखाते हैं हमें। ओके, सो अभी फिलहाल हम आए हैं वापस बहुत समय के बाद। ये वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस में से एक है। जितना प्यारा सेटअप भैया ने रेडी किया हुआ है उतना शायद ही बहुत कम लोगों ने किया है। ओके, सो भैया आज जो दो बच्चों की मकाओ की बात हो रही थी वो कौन से बच्चे हैं? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दो मकाओ ये हैं, इनकी भी इतनी बड़ी हाइट है, और दो एक ये एक वो बैठा है, इनकी भी हाइट पूरी बराबर बराबर सी है। और ये बेसिकली होता क्या है कि जैसे कुत्ते में और बाकी सारे जानवरों में होता है ना, एक एज के बाद सारों का साइज सेम हो जाता है। हाँ। तो ये बच्चे जो हैं अभी तीन तीन महीने के हैं, सिर्फ तीन महीने के। अभी मैं इनको हाथ से खाना खिलाता हूँ। अरे भाई, और ये देखो खाना मांगने की तैयारी पूरी, ये खाना मांग रहा है। तो ये बच्चे हैं अभी, ठीक है ना। और वो जो है अपनी रियो, ये अभी मोल्टिंग कर रही है। साल में दो बार क्या होता है, बर्ड अपने सारे फेदर चेंज करता है। और उधर वो अपना जो है अपना हीरो, वो तो फुल साइज में है। अच्छा, लास्ट टाइम आपने ऑस्टिचेस कवर किए थे ना, आपके घुटने तक नहीं आ रहे थे, तो ये वाला अभी मेरी चेस्ट तक आने लगा है। जब सर पूरा उठाता है तो मैं 6 फुट के आसपास का हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा। ये गर्दन उठा करके अब करीबन 5 फुट का हो गया है ये। हाँ, ये मुझे लग रहा है। हाँ। आप कह रहे थे 8-1 फिट तक तो जाएगा, है ना? आराम से 8 फुट का जाएगा। इसका एक जोड़ीदार हमने फार्म पे पहुंचा दिया है। हाँ। बड़ी स्पेस दे दी है, इसको भी पहुंचाएंगे, एक एक करके पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सही। हाय, हेलो। पता है सही बारे। ये बड़े शाय होते हैं, ये बड़ी रेयर आप देखोगे कि जाकर के ये लोगों के साथ फेमिलियर हो रहे हैं, साथ में खड़े हो रहे हैं। बोल रहे इतने शाय होते हैं, ये हाथ ही नहीं लगाने देते। ये भैया जितना टाइम स्पेंड करो उनके साथ। बिल्कुल भैया, ये तो है ही है। अच्छा, इसकी दोस्ती संदीप भाई के साथ थोड़ी ज्यादा है। संदीप भैया को थोड़ा ज्यादा प्यार करता है। क्या बात है। अच्छा भैया, अगर मैं बात करूं तो ये कौन से मकाऊ है, एक बार आप इनको हाथ में उठाए और हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा क्लियरली इन मकाऊ के बारे में बताइए। क्योंकि इतने 3 महीने का इतना बड़ा बर्ड होता है यार, बहुत मुश्किल ही मतलब मैंने देखा है कभी। अरे वाह यार, मैंने आपसे बताया था कि आज मैं आपको थोड़े से महंगे वाले तोते दिखाऊंगा। करेक्ट। तो इसको कहते हैं स्कारलेट मकाऊ। वाओ। ये स्कारलेट मकाऊ का बच्चा है अभी,
और जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा प्रॉपरली येलो बैंड भी आएगा, बहुत खूबसूरत तोता होता है ये। ये एक तोता पुलकित, इफ़ यू बिलीव, ये एक तोता 6 लाख रुपए का है। 6 लाख रुपए का एक? ये 6 लाख रुपए का एक तोता है। अभी जो आप 4 तोते देख रहे हो ये 22 लाख रुपए के तोते हैं 4। क्या बात है, 22 लाख रुपए के 4 तोते हैं। 22 लाख का तो भैया गाड़ी वाड़ी उतना घर बना लेता है। नहीं तभी तो नहीं बन रही है, तभी तो नहीं बन रही यार मेरी गाड़ी। ये सही। आ जाओ आ जाओ। अरे 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 अरे, स्टेप अप बोलो, स्टेप अप, स्टेप अप। अरे देख रहे हो, हेलो, ये काटा तो नहीं ना, रियो काटती है। रियो तो बड़े प्यार से बुलाएगी उसके बाद। अरे देखो ये काटने को मना कर रहा है, क्यों काट रहा है? हाँ ये काट नहीं रहा, ये चेक कर रहा है। हाँ क्या चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है, देख रहे हो पैदा। अरे बाबा आ जाएगा। अरे यार इनको देख के बर्ड रखने का भी मन कर ही लेता। भैया पकड़ लो कैमरा, तो कैमरा पकड़ सकता हूँ मैं, यही इनको पकड़ सकता हूँ। अच्छा अभी आपको दिखाता हूँ ये एक हमारा ना, लास्ट टाइम हमने एक अमेजोन दिखाया था, अमेजोन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोलने वाले तोतों में से एक होता है। ये है ब्लू फ्रंटेड अमेजोन। वाओ, ये फीमेल हमारे लिए बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये तो बहुत रॉयल और टेम्ड बर्ड है ही है। हाँ हाँ। लेकिन जितनी बार इसका हस्बैंड लाते हैं समहाउ वो नहीं बन पाती कंपैटिबिलिटी। हाँ हाँ। पीछे इसकी अभी तबीयत खराब हो गई थी, इस पर बहुत मेहनत करी है, करीबन 4 लोगों की टीम ने लग के सुबह शाम मेहनत करी है। वाओ। और हमारा स्टाफ है हरदेश, उसने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर और आज ये बर्ड पूरा हेल्दी हो गया। देख रहे हो, लास्ट टाइम अगर आपने आगा व्लॉग नहीं देखा तो अभी मैं आई बटन में व्लॉग डाल दूंगा। मेक श्योर आप पूरी जगह के बहुत सारे बर्ड मैंने लास्ट टाइम भी दिखाए थे वो भी आप सभी चेक करना। 2 व्लॉग यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इनको फ्रेश खाना दिया था, फ्रूट और हाई क्वालिटी नट मिक्स दिया जाता है। हाँ यार ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ देखो फ्रूट्स नट्स वगैरह क्या बात है यार, ये सही है, ये सब चल रहा है। खाने के अलग अलग स्पेस बनाई हुई हमने वहाँ पर, वो अफ्रीकन ग्रे खा रहे बिकॉज क्या है कि ये ओपन एवरी काइंड ऑफ सेटअप है तो इसमें हाँ। बड़े छोटे सभी साइज के बर्ड हैं तो इसलिए अलग अलग स्टेशन बनाए हुए हैं खाने के लिए। मेरे यहाँ अफ्रीकन ग्रे के कुछ बच्चे हुए हैं, इनफैक्ट वो अवेलेबल भी हैं, अगर कोई लेना चाहता है अच्छी राइट फैमिली अगर होती है तो मैं दिखाता हूँ, वो भी 50,000 का एक बच्चा है। अरे वाह। अरे अच्छा जैसे अभी हम इसके अमेज़न की बात करें तो ये बोलती है, बहुत बोलता है। हाँ लेकिन मूड पर है, पर सबसे ज्यादा बोलने वाले यही होते हैं ना वैसे तो। देखो यार बेसिकली कहते हैं कि अफ्रीकन ग्रे सबसे ज्यादा बोलने वाला, लेकिन अमेज़न एग्जैक्टली उतना ही बोल सकता है जितना अफ्रीकन ग्रे बोलता है। हेलो हेलो हेलो, अपना मूड है इनका। तो भैया अब अभी हमारे को दिखाओ आप अफ्रीकन ग्रे के बच्चे, बहुत कम लोगों ने शायद देखे होंगे कभी बच्चे छोटे अफ्रीकन ग्रे। छोटे बच्चे अफ्रीकन ग्रे के दिखाता हूँ, दिन में 4 बार खाना खिलाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत होती है तब जाकर के बच्चा बड़ा होता है, इतना आसान नहीं है। तो अभी फिलहाल भैया लेकर आए हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे अफ्रीकन ग्रे के जो है बच्चे। तो भैया ये ऑलमोस्ट कितने 4 है ये अफ्रीकन ग्रे, राइट? हाँ अभी हमारे पास 10 बच्चे और हैं जो नेस्ट बॉक्स के अंदर हैं। अच्छा। और ये बच्चे अब क्या था कि पेरेंट्स के ऊपर दबाव पड़ रहा था इनको खाना खिलाने के लिए तो हाँ। थोड़ा वेट लूज करना चालू कर दिया इसलिए हमने बाहर निकाल लिए ये बच्चे। ये सारे बच्चे क्लोज रिंग्ड हैं तो ये देखो लाल सी इनकी कैरेट रेड टेल आनी चालू हो गई है, फेदर्स आने चालू हो गए हैं, सर पे फेदर आ गए हैं। ये अच्छा खासा वो अमेजोन जितने साइज का हो जाएगा बच्चा। वाओ। ये ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डिंग है सबसे ज्यादा बोलने के लिए। वाओ। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई बोलता है विद द रिकॉर्ड्स तो वो ये वाला पैरेट है। क्या बात है। तो ये कौन सा बर्ड है अभी? ये खूबसूरती है, लेकिन खूबसूरती अपने शोर के साथ आती है। ये सन कौन ही है। हाँ। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा पूरा पीला हो जाएगा। हाँ। लेकिन बहुत नॉइजी, बहुत नॉइजी अपने साइज के हिसाब से, बहुत ज्यादा नॉइजी है। पहले हमारे पास बहुत सारे थे। हाँ। फिर हमने हटा दिए क्योंकि सारे ही यही आवाज घूमती होगी भाई, वो पूरे सेक्टर में आवाज घूम जाती थी। अच्छा यार मेरे को एक चीज बताइए भैया, इनको अभी फिलहाल हम क्या डाइट देते हैं बच्चों को? क्योंकि अभी तो देखो ये इनका जो खाना है 6,429 रुपए का, सिर्फ 3 किलो खाना आता है और जो कि दिन में 4 बार दिया जाता है, स्पेशली US से इंपोर्ट होकर के आता है जो कि न्यूट्री बर्ड का A19 फूड है, वो गुनगुने पानी में मिक्स करके इनको दिया जाता है। वाओ।
तो ये है, तो ऑलमोस्ट मतलब उनको चार टाइम फीड कर रहे हैं दिन में चार बार। मैं खुद देता हूँ, मैं खाना खिलाने के लिए किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता, तो इसलिए इन बच्चों को खुद ही खाना खिलाता हूँ। वाओ क्या बात है। और ये देखो ये अपनी अलग ही मस्तियों में चल रहे हैं। ओए अभी तो फॉर दैट मैटर ये भी ये इतना बड़ा होकर के ये और वो दोनों खून पीते हैं मेरा दिन में दो बार, तो ये भी खाना खा ही रहे हैं अभी। क्या बात है। तो अगर मैं बात करूँ भैया को, अगर आपको किसी को भी किसी को भी कोई क्वेरी पूछनी इन बर्ड्स के बारे में, आप भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देखिए सबसे इजी तरीका ये है मुझे रीच आउट करने का। इस बार हम लोगों ने अपना नंबर जो है पुलकित की वीडियो में भी साइड में हाईलाइट करवाया है। दूसरी बात ये कि आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बस निहाल पेट्स गूगल पे डालो और आ जाएगा, सम हाउ आप हमारे तक पहुंच जाओगे। तो वो बहुत इजी रहेगा। आप लोगों ने पिछली वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा व्यू दिए हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी करीबन 1 मिलियन के आसपास के व्यू थे, तो बहुत सही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप उतना ही प्यार। बिल्कुल भैया, बिल्कुल फॉर श्योर। और ये देखना ये अलग ही इनकी मस्तियां चल रही है। अच्छा भैया हमारे पास कोई स्नेक भी है यहाँ पर, आप बताते कि एक दोस्त का आप स्नेक दिखाने वाले थे हमारे को। यार मैं वीडियो के लिए ले आया था, मेरे पास तो कनाडा में जब मैं जाता हूँ तो मेरे पास भर के हैं स्नेक्स। यहाँ पर क्या है कि मैं एक एनजीओ का हिस्सा हूँ तो मैं रेस्क्यू करता रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी के पास अगर रखने की जगह नहीं है, ये है वो है, बॉल पाइथन इन्वेसिव स्पीशीज है, तो मैंने दोस्त से ले लिया है, वीडियो पर्पज के लिए ले आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल। बट वो सेल के लिए नहीं है, वो कमर्शियल पर्पजेज के लिए नहीं है। क्या बात। वो सिर्फ एक वीडियो फॉर द फन मैं आपको दिखाता हूँ। क्या बात। बिल्कुल। सो मैं अभी बर्ड्स वगैरह दिखा रहा था, तो भैया की जो है बहुत सुप्रीम कलेक्शन है बाइक्स एंड कार की। तो संदीप भैया से मैंने कहा, मैं कहा भैया आपकी जो बाइक है ना, मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम ऐसी बाइक तैयार की हुई है लोगों ने, और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बारे में भी मैं चाहूंगा संदीप भैया हमारे को बाइक के बारे में बताएं। वाह यार क्या बात है भैया। ये वैसे बाइक कौन सी है? ये फैट बॉब है। ओके या फैट बॉब। और इसमें क्या मॉडिफिकेशन आपने कराई? देखो कंपनी से तो मुझे पता है कैसी आती है ये। इसमें मॉडिफिकेशन में ये सारे थीम्स हैं। वाओ। ये स्किड ब्रेक्स हैं। अच्छा ये ग्रिप और उसके बाद ये चीज सारे मुझे गाना बंद करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है मेरे पे। अच्छा जरूरी बात ये है कि संदीप भाई कैमरा पे कम आते तो बोलते कम है, ये जितने की गाड़ी है तकरीबन उतने के आसपास की मॉडिफिकेशन हुई हुई है। और इंडिया में जो फैट बॉब्स जो मॉडिफाई हुई हैं मेरे ख्याल है टॉप 5 में, अगर ये टॉप 1 नहीं होगी तो एटलीस्ट टॉप 5 पे तो होगी। बिल्कुल ऐसा सिंगल पीस है, ऐसी मॉडिफिकेशन है, ऐसी सिंगल ही। इसको स्टार्ट करते हैं भैया और मैं इसकी आवाज सुनाना चाहूंगा मेरी ऑडियंस को। देख रहे हो क्या कितनी खतरनाक लाउड इसकी वॉइस थी। तो भैया अब तक आप इसको कहाँ कहाँ लेकर गए हो इंडिया के अंदर? इसको इंडिया में सारी जगह ले गया हूँ, गोवा है, गोवा 2-3 टाइम्स हो गया। अरे वाह। तो मतलब कह रहे भैया, कह रहे थे कभी लद्दाख की ट्रिप मारी हमने। अरे वाह सर्कल मारी है यार, एक बार निकलती है ना तो राउंड ट्रिप 3000 किलोमीटर जाती है। ये सही है यार, क्या भाई बहुत बढ़िया। करगिल, श्रीनगर, करदुंगला, पूरा लेह और मनाली, लेह टू मनाली, सारा सारा इसने कवर किया है। वाह मतलब भैया को पूरा घूमने का शौक है और भैया ने पूरी चीजें राइटिंग करके पूरा दिन लगाते हैं ना। मजाक में चली है। ये हो गई इसके बाद अपनी जीटी, तो भैया की लास्ट टाइम भी मैंने दिखाई थी जीटी, तो फुल खतरनाक भैया ने इसको किया हुआ है। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा यार आप दोनों से मिलके। जब भी मैं मिलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई होप आप दोनों जल्दी मेरे को चंडीगढ़ में मिलने वाले और हम कुछ फन एक्टिविटी करेंगे। यार चंडीगढ़ मिलने का प्लान पक्का है, आपने बुलाना है, हमने आपको रिक्वेस्ट डाली हुई है किससे मिलना है। वो तो बस आप जब आप कहोगे तब आ जाना भैया, आना है वो करना है। आपकी ऑडियंस को हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इतने अच्छे व्यू आए और कमेंट्स भी मेजरली सब अच्छे ही थे। बिल्कुल। तो हम लोग क्या है कि दिस इज मोर ऑफ अ हॉबी। बिल्कुल। सेलिंग वेलिंग एंड ऑल दैट कभी कभार कुछ होता है तो वो कर देते हैं जी, बट ये हॉबी है तो एंजॉय कीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और पुलकित के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सो विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।